हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं और वो आगे भविष्य में किस काम आने वाला है, सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जो हेल्थ आईडी कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का हम हेल्थ आईडी कार्ड बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये दिया गया है हेल्थ आईडी कार्ड सभी भारतीय लोगों को बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने वाला है। भविष्य में इसकी मान्यता हेल्थ सेक्टर में आधार कार्ड के जैसी होने वाली है। ऐसे में यदि आपने भी डिजिटल या यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और अब डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपको अंत तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्थ आईडी कार्ड हमारे किस काम आने वाला है और हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको बनाने में। तो हमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको उसमें आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको चलिए बताता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कैसे हम हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करना हेल्थ आईडी कार्ड। हेल्थ आईडी कार्ड हम लिखेंगे तो ये आ गए हेल्थ आईडी कार्ड, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो सबसे ऊपर यहाँ पे हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो लिखा है, हमें इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे ऊपर देखिए आप, ये दिख रहा है क्रिएट ए बी एच ए नंबर, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी दिया है क्रिएट ए बी एच नंबर, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह का दोस्तों इंटरफेस आपके सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम दो तरीके से हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। एक तो दोस्तों हम ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पे आधार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आधार का यूज़ करूँगा, इसलिए मैं आधार पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आधार पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आएगा। यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके हमें यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट करके। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, मैं वहाँ पे ये ओटीपी फिल कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद मुझे दोस्तों सिंपल यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आएगा। उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे हमें फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ से फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस डाल देना, और अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये स्किप कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा ए बी एच नंबर हैज़ नाउ बीन क्रिएटेड, ये हमारा नंबर क्रिएटेड हो चुका है दोस्तों। ये हमारा नंबर क्रिएटेड हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ पर हम एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डू यू हैव एन एक्सटिंग ए बी एच एड्रेस, हम यहाँ पे लॉग इन योर ए बी एच नंबर से हम इसे लॉग इन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा हेल्थ आईडी कार्ड दिखता है और इस तरह का इंटरफेस रहता है। और यहाँ से हम अपडेट और ईमेल अपडेट मोबाइल नंबर, सेट पासवर्ड, रीकेवाईसी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, एडिट डिटेल भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं,
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।